मैं संस्कृताय भवताम सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनंच। आज हम दसवीं कक्षा की जो संस्कृत हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक हैं स्पंदना, उस स्पंदना का जो अपना तृतीय पाठ है उस तृतीय पाठ की अपन चर्चा करेंगे। स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि हमारे राष्ट्र का गौरव क्या है। हमारे राष्ट्र के विषय में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे देश को अभी जानने लगे हैं। क्या है हमारे राष्ट्र का गौरव? कि आजकल अपन इतना ही समझ रहे हैं कि हमारा देश भारत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा देश जो भारत है, इसका जो नाम भी भारत है, इसके पीछे भी विशेष कारण है। हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यव्रत था, उसके भी विशेष कारण है। वहाँ पर आर्य लोग निवास भी करते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश का नाम ये आर्यव्रत आदि रखते हो, कुछ आर्य थे वो विदेशों से आए थे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, कुछ ऐसे लोग कहते हैं ये सारे के सारे नाम आदि ये भी जो पाश्चात्य दर्शन के हैं, पश्चिम से आए हुए हैं। लेकिन ये सारी धारणाएँ गलत हैं। हमारे राष्ट्र का जो नाम है वो भी अभी का नहीं है। हमारे राष्ट्र का नाम वेदों में भी लिखा गया है। प्राचीन सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से? अपन वेदों को मानते हैं, क्योंकि जो वेद हैं वो अपुरुष हैं, उसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। ऋषियों ने भी वो श्रुति मात्र किया है, इसीलिए उन वेदों में भी हमारे भारत देश का नाम है। हर जगह राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, तो इससे लगता है हमारे देश का गौरव है जो अति प्राचीन है। अब है क्या इस पाठ में अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। क्या कहा? अस्माकं मतलब हमारे, चिंतन में मतलब चिंतन में, सोच में, क्या राष्ट्रस्य अवधारणा, इस देश की, इस राष्ट्र की जो अवधारणा है, अर्थात इस देश के प्रति हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो अति प्राचीना विद्यते, बहुत ही प्राचीन है। अभी मैंने कहा कि हमारे देश के प्रति अपन जो भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही बना, आज या कुछ सालों पुराना है, 10 साल, 20 साल, 100, 200, 1000 साल पुराना है, ऐसा नहीं है, बहुत ही प्राचीन है। और हम क्योंकि हम सुनते यही आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमको किसी ने बता दिया कि आपका जो देश है 100, 200 साल पुराना, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जिससे भी सुनते आ रहे हैं, उन सभी के बातों से सुनने के बाद भी हमें यही लगता है कि हमारे देश का जो अवधारणा है हमारे देश के प्रति हमारी, वो बहुत ही प्राचीन है। आगे कहते हैं वेदेषु अपि, वेदों में भी कहा गया है क्या कि आ राष्ट्रे राजन्य, आ राष्ट्रे मतलब इस राष्ट्र में, राजन्य कहते हैं क्षत्रिय लोग को, कि इस राष्ट्र में क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, तो ये यजुर्वेद के मंत्रों में से इन्होंने लिया है, और यजुर्वेद में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया आ राष्ट्रे, तो आपको राष्ट्र जो शब्द है वहाँ पर ध्यान देना है कि आ राष्ट्रे राजन्य, इस राष्ट्र में कौन है? राजन्य है, क्षत्रिय लोग हैं। अगला यजुर्वेद का एक और इन्होंने उदाहरण दिया है क्या कि वयम राष्ट्रे जाग्रियामः, हम सब इस राष्ट्र में, जाग्रिया मतलब जागरूक रहे, जागृत रहे, हम सब इस राष्ट्र में क्या रहे? जागृत रहे। अब यहाँ पर भी देखो राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो देखो वेदों में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, इसी भारत के लिए हुआ यह राष्ट्र शब्द का प्रयोग, अति प्राचीन है। अगला एक और ऋग्वेद का मंत्र इन्होंने लाया है तो अहम राष्ट्रीय संग मणि वसूनाम, यहाँ पर भी देखो राष्ट्रीय शब्द आया। तो तीनों मंत्रों में आपने एक चीज़ देखी होगी, ऊपर वाले में भी राष्ट्रीय आ राष्ट्रीय राजन्य, वहाँ पर भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग है, वयम राष्ट्र जागरियाम यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग है, और अहम राष्ट्रीय संग मणि वसूनाम यहाँ पर भी, अहम राष्ट्रीय जो शब्द है यहाँ पर भी किसका प्रयोग हुआ है? राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अहम राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रीय हूँ, मैं कौन हूँ? मैं राष्ट्रीय हूँ। राष्ट्रीय का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी की मैं क्या हूँ? ईश्वरी हूँ। संपूर्ण पृथ्वी की मैं देवी हूँ। संग मणि वसुधाम, वसु यहाँ पर धन के लिए आया है, और जो वसुधा हैं, धन आदि है, इन धन आदि को देने वाली देवी भी मैं ही हूँ। अहम राष्ट्रीय संग मणि वसुनाम, एक तो मैं क्या हूँ? संपूर्ण जगत की देवी हूँ, और मैं एक धन को प्रदान करने वाली हूँ। ये ऋग्वेद का मंत्र है।
अगला है इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रशब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। क्या कहा इसने के इत्यादिषु बहुषु, ये इस प्रकार के जो ये क्या बहुषु मतलब बहुत, मंत्रेषु मतलब इन मंत्रों में, बहुत सारे ऐसे मंत्रों में राष्ट्रशब्दस्य प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से एतद् स्पष्टम् अस्ति, ये स्पष्ट हो गया है इन सभी मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से, ये स्पष्ट हो गया है क्या कि अस्मदीयः राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना और पश्चिमात् आगता इति ये मन्यन्ते, ते तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। देखो इन मंत्रों में जो राष्ट्र शब्द आया है, इस राष्ट्र शब्द से अपन को एक बात का पता ये चल गया है क्या कि जो लोग ये मानते हैं क्या, जो लोग कहते हैं कि हमारी जो अवधारणा है हमारे देश के प्रति, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, वो सोच अर्वाचीन मतलब आधुनिक अभी की अर्वाचीन नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे राष्ट्र की जो अवधारणाएँ हैं, वो सारी सारी पश्चिम से आई है, पश्चिम दिशा से आई है, तो ये भी जो बात है ये भी बात सही नहीं है। और ये लोग जो मानते हैं कि हमारे देश की संबंधित जो अवधारणा है वो अभी नहीं है, आधुनिक है, और हमारी ये जो अवधारणाएं हैं वो पश्चिम दिशा से आई है, तो मानो ये सब ऐसे ही भटके हुए लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति हैं और कुछ नहीं है। तो आप लाइन का अर्थ समझे होंगे क्या कहा इन्होंने, एक तो इन्होंने अर्वाचीन शब्द का प्रयोग किया है और एक इन्होंने कहा है पश्चिम से आए हुए, तो ये दोनों बात भी इनकी क्या है भ्रांति युक्त है, भ्रांति वाली है। आगे देखो आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा जो राष्ट्र है ये राष्ट्र, अस्माकम मतलब हमारा, इदम मतलब यह, भारतवर्षम ये जो भारत नाम का राष्ट्र है ये, एकम मतलब एक, चिर पुरातनम सनातनम च बहुत ही पुरातन और सनातन है, सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम अगर कोई राष्ट्र है तो वो राष्ट्र कौन सा है, अपना भारत है। इन्होंने कहा ना हमारा जो ये भारत है वो चिर प्राचीन और सनातन है, सनातनी जो होता है वो सबसे प्राचीनतम होता है, तो सबसे प्राचीन ही हमारा देश है, तो आधुनिक या अर्वाचीन नहीं कह सकते अपन, हमारी जो अगर ये सोच अगर ऐसी है तो इन्होंने कहा है वो भ्रांति युक्त है, आप भ्रांति में हो, आप भटके हुए लोग हो। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तु तत्व चिंतकश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनीतिक कम च घटकम एव राष्ट्रम इति नहीं मतम। लेकिन हमारे ऋषियों के द्वारा केवल और के हमारे जो ऋषि मुनि और कवि और तत्व चिंतन तत्वों को जानने वाले ये जो लोग हैं, इन लोगों ने केवल जो भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक जो घटक के रूप में संपूर्ण राष्ट्र को नहीं माना, इनके मत के अनुसार क्या है हमारा जो ये राष्ट्र है ये राष्ट्र केवल ऐसा नहीं है, इसमें भौतिक प्रदेश आप देख लो, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल देख लो कहाँ से क्या है कैसा है, राजनीतिक घटक के रूप में देख लो, इस प्रकार हमारा राष्ट्र इन्होंने नहीं माना है। आजकल अपन मानते हैं ना, आजकल अपन क्या कहते हैं कि भारत की ये सीमा है, भारत के उत्तर में इतनी सीमा है ना, कहते हैं ना भौगोलिक क्षेत्र देख लो आप, भौतिक और राजनीतिक रूप से आप अपन आज अपन भारत को मानते हैं। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे कवियों ने, हमारे जो तत्ववेता हैं, तत्वों को जानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों को राष्ट्र के रूप में नहीं माना, ऐसा कि राष्ट्र नहीं होता है। तब पूछा कि इनके अनुसार राष्ट्र क्या है, किस घटक को आप राष्ट्र कहोगे, तो इन्होंने लिखा कि राष्ट्रम इति यत उच्यते तत्र तत् तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। इनके अनुसार राष्ट्रम इति यद उचित है, राष्ट्र वही कहलाता है जहाँ पर एक चेतन सांस्कृतिकम घटक हो। अर्थात क्या कहा इन्होंने कि राष्ट्र तो वही कहलाता है, देश तो वही कहलाता है जहाँ पर सांस्कृतिक घटक हो, वो भी चेतन अर्थात जीवित, जहाँ पर एक संस्कृति निवास करती हो, जो संस्कृति से ओतप्रोत हो, वही देश क्या कहलाता है राष्ट्र कहलाता है। आगे कहते हैं वयम इदानिम राष्ट्रम राष्ट्रदेवम मन्यामहे,
वयम इदम राष्ट्रदेव मन्यामहे, और हम सब लोग हमारा जो राष्ट्र है इस राष्ट्र को किसके रूप में मानते हैं, देव के रूप में मानते हैं। कहा ना इसने कि वयम राष्ट्रदेव मन्यामहे, हम सब इदम मतलब इस राष्ट्रदेव मतलब राष्ट्र रूपी देव को ही मन्यामहे मतलब मानते हैं। हम सब हमारे राष्ट्र को किसके रूप में मानते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। आगे क्या कहते हैं, एतत वही भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते, अपितु मातृभूमि ही अस्ति। क्या कहा इन्होंने, एतत वही, ये जो हमारा भारत देश है इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में केवल मृतपिंड नहीं है, केवल एक मिट्टी का बना हुआ पिंड नहीं है। ये आप भूमि देख लो, यहाँ से कहाँ तक भारत की भूमि है, ऐसा ही सिर्फ भूमि के रूप में हमने भारत को नहीं माना है। हमारी दृष्टि में ये जो भारत है वो मृतपिंड नहीं है, वाह भूखंडो वाह, ना ही कोई भूखंड है, भूमि का खंड है, ऐसा भी हमारी दृष्टि में नहीं है। तो फिर पूछा कि क्या है, अपितु मातृभूमि ही अस्ति, हमारे लिए ये राष्ट्र क्या है, मातृभूमि है। ये जो धरती है इस धरती को हम ऐसे नहीं कह सकते ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बना हुआ एक पिंड है या फिर भूमि का एक खंड ही हमारा देश है, ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए ये मातृभूमि है। कहा ना इन्होंने, एतद वही भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते, अपितु मातृभूमि अस्ति, हमारे लिए क्या है, मातृभूमि है। यथा किल उक्तम अथर्ववेदे, निश्चय ही अथर्ववेद में कहा गया है क्या कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। क्या कहा इन्होंने कि निश्चय ही ऋग्वेद के अंदर कहा गया है, ऋग्वेद में क्या कहा कि माता भूमि, ये जो मात जो भूमि है ये भूमि मेरे लिए क्या है, माता के समान है। पुत्रो एवं पृथिव्याः, और मैं इस पृथ्वी का क्या हूँ, पुत्र हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र के रूप में क्या कहा इन्होंने, इस भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, ये जो भूमि है ये भूमि मेरी माता है, माता सदृश है, और मैं इस पृथ्वी का, इस भूमि का क्या हूँ, क्या हूँ, पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, और ऋग्वेद में भी कहा गया है, ऋग्वेद में क्या कहा है कि पृथ्वी ही पृथ्वी माता द्यो मे पिता, ये जो पृथ्वी है ये मेरी क्या है, माता है। द्योम, द्यो का मतलब होता है आकाश, और ये जो आकाश इसको क्या माना इन्होंने, द्यो मे पिता, इसको क्या माना है, पिता के रूप में माना है, द्यो मे पिता। आगे कहते हैं, मातृभूमि ही पितृभूमि ही पुण्य भूमि ही धर्म भूमि ही कर्म भूमि ही देव भूमिश्च इत्येवं विविधैः रूपैः उपीतः अस्ति भुवन मन मोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने नाम दिया है कि कुछ लोग तो इसको मातृभूमि कहते हैं, पितृभूमि भी कहते हैं, पुण्य भूमि कहते हैं, धर्म भूमि कहते हैं, कर्म भूमि कहते हैं, देव भूमि। ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे इस पृथ्वी का नाम है, हमारी भारत भूमि का जो ये नाम है, ये नाम के लिए कह रहे हैं, ये इस कह रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के विविध ही अलग अलग प्रकार से रूप में उपेता अस्ति कहा गया है, लेकिन भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता, ऐसी ये भुवन मन मोही संपूर्ण संसार का मन का मोहन करने वाली, सभी के लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ये हमारी भारत माता है। इसने क्या कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो नाम है, कोई मातृभूमि पितृभूमि आदि विभिन्न नाम वाली ये जो भारत माता है, ये लोगों का इस पृथ्वी पर सभी का मन मोहन करने वाली ऐसी कौन है, मेरी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिनः राष्ट्रीयता संबंधिनः राष्ट्र गौरव संबंधिनः राष्ट्रभक्ति संबंधिनश्च केश्चन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। काका क्या कहा इसने कि राष्ट्र संबंधी, देखो इस पाठ में कुछ श्लोक संकलित किए गए हैं, कुछ श्लोक लिए गए हैं, उन श्लोकों के विषय में कहते हैं कि श्लोक किससे संबंधित है, किससे संबंध रखने वाले श्लोक है। तो इन्होंने कहा कुछ श्लोक हैं जो राष्ट्र से संबंधित है, कुछ श्लोक है राष्ट्रीयता, हमारा जो धर्म है राष्ट्रीयता, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी क्या अवधारणा है,
उसके प्रति कुछ श्लोक है, राष्ट्र के गौरव के प्रति कुछ श्लोक है, राष्ट्रभक्ति के संबंधी कुछ श्लोक है। ऐसे कुछ श्लोक हैं जो इस पाठ में संकलित किए गए हैं। अब जो आपके जो श्लोक हैं, वयम राष्ट्रम गौरवम स्वराष्ट्रम गौरवम, हमारे राष्ट्र का गौरव क्या है, हमारे राष्ट्र का गौरव, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज आपने इस पाठ की भूमिका को अच्छे से पढ़ा, क्या है भूमिका, हमारे राष्ट्र का गौरव क्या है। भारत नाम अभी का नहीं है, पहले भी लोग ये आर्यवर्त आदि के नाम में हुआ करता था। अलग अलग जो वेद हैं चार प्रकार के, उन वेदों में भी इसका नाम आया है। सामवेद को छोड़ करके तीनों वेदों में भी हमारे राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हमको हमारे राष्ट्र के प्रति जो ये अवधारणाएँ हैं, ये अवधारणाएँ ये अति प्राचीन हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है ये अर्वाचीन हैं, आधुनिक हैं, और ये अवधारणाएँ पश्चिम दिशा से आई हुई हैं, तो भी ये अवधारणा भ्रांति युक्त हैं। ऐसे लोग जो लोग मानते हैं वो अभी भी भ्रांति में हैं, ये सही नहीं है। हमारे राष्ट्र के जो गौरव हैं वो अति प्राचीन हैं, पुरातन हैं, सनातन हैं, चिर पुरातन हैं। इस प्रकार हमारे राष्ट्र का गौरव है। तो इस ये जो आगे श्लोक हैं, इन श्लोकों के माध्यम से अपन समझेंगे कहाँ है हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र का गौरव क्या है, इसका भौगोलिक जो क्षेत्र है वो क्या है, संपूर्ण जो पाठ्य वस्तु होगी इसकी अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।